अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। हम भी अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज बादल बहुत ज़्यादा आए हुए, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने जल्दी जल्दी सफ़ाई कर ली, मोटर लगाई पानी की और पानी भर लिया और फिर सफ़ाई कर ली, साथ साथ की लाइट ना चली जाए। यहाँ तो बस ज़रा सी बारिश आती है फौरन लाइट बंद हो जाती है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी पानी भी भर लिया, सफ़ाई भी कर ली, फिर मैं अपने चूड़ी के काम पर आ गई। ये देखें जी, मैं अब अपने चूड़ी के काम पर आ गई। कल थोड़ी सी हमारी शिकायत आ गई काम की कि आपकी आप लोगों ने चूड़ियाँ थोड़ी सी सही नहीं जोड़ी हैं, तो इसको आप थोड़ा सा चेक करके हमें वापस करें। तो फिर हुरम के पापा को मैंने कहा कि आप चेक करो, मैं जब तक बकाया काम कर लूँ आप मुझे ये चूड़ी जो है दो दो तोड़े उन्होंने दिए हैं काम वालों ने, तो वो दे दो, चेक कर लो आप जल्दी से। तो वो अब चेक कर रहे हैं, अब वो चेक कर रहे हैं, तो मैं जब तक अपना काम कर लूँ। और उनके पापा को मैंने बुला लिया, ये अब बैठे हुए हैं। चूड़ी दो तोड़े दिए थे, एक रस्सी में जितनी चूड़ियाँ तो इसको तोड़ा बोलते हैं, एक तोड़े में ये चूड़ियाँ निकली हैं और दूसरा बिल्कुल सही था, इतनी नहीं निकली उसमें से। यानी कि उन लोगों को पहचान हो जाती है कि हमारा काम कैसा हो रहा है और कैसा नहीं हो रहा। वो इस तोड़े को बजाते हैं, हाथ से बजाते हैं, फिर वो चेक करते हैं कि आपका काम सही है कि गलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शिकायत कभी नहीं आई, ये आ ही जाती कभी कभार, हम भी इंसान हैं, कभी कभार गलती हो जाती है, तो इसलिए बस इनका काम ख़त्म हो जाएगा। सब्ज़ी वाले की आवाज़ आ रही, मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ। सही सही देना। तोरिया टमाटर, बेगा दे लौकी, तोरिया मटर, टमाटर, पालक, जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी तैयार कर लूँ क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे किचन में भी पानी आता है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं सब्ज़ी तैयार करके सालन बना लूँ। शाम को अफ्तारी में थोड़ा सा काम का लोड कम हो जाएगा क्योंकि पकोड़े होते हैं, पापड़ वगैरह होते हैं, तो ये फ्राई करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा चलो हांडी का काम मैं ख़त्म कर लूँ। सब्ज़ी मैंने छील के अच्छे से धो ली, अब मैं इसको काट रही हूँ सब्ज़ी को जल्दी से। आज बच्चों की भी छुट्टी है, 23 मार्च है, तो बच्चे आज बाहर खूब खेल रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, धूप नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे आज कैसे खेल रहे हैं बाहर। सब्ज़ी मैं तैयार कर रही हूँ जल्दी जल्दी, बिल्कुल तैयार हो चुकी है मेरी सारी सब्ज़ी। चले मैं आपको बाहर दिखाती हूँ बच्चों। मेरे मत सही रहा। इसके बाद बारिश होगी, शाम को होगी, देखो कब तक होती है। अभी बूंदा बांदी होकर बंद हो गई। आउट 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 नहीं, 4 पे ही थी, 4 पे ही थी। अरे चीकरा पार कर रही थी। नहीं नहीं, 4 पे थी। आराम से आउट हो गया। गलत करते हो ना एकदम, तुम लोग तेजी से कर देते हो। अपना पता कोई नहीं फराज को, गलत फैमिली। ओ ये अबे मैं आ गया। चौथे में दादू, चौथे में ना, ओ का चौथे में दादू, ये अच्छा खेल है, किसी को अपना घर ही नहीं पता। चलते रहेंगे, मैं अपना रेसिपी तैयार करूं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हमारे खानों में हमारे जायकों में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ऑयल गर्म हो चुका था, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया, थोड़ा सा लहसुन लिया था, थोड़ी सी अदरक ली थी वो भी इसी प्याज के साथ मैंने ऐड कर दी। आज गैस भी बहुत ज़्यादा कम है तो बहुत देर लग रही प्याज गोल्डन होने में। ये देखिए प्याज गोल्डन हो चुके हैं, अब मैं इसमें मसाले वगैरह ऐड करूँगी। थोड़ा सा और फ्राई कर लूँ, अच्छे से गोल्डन हो जाए, ताकि अभी लाइट गोल्डन, थोड़े से और गोल्डन हो जाए तो फिर मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आज 23 मार्च है, आज मेरी शादी की एनिवर्सरी भी है। 23 मार्च को हमारी शादी हुई थी। ये दिन किसी को नहीं भूलता, 23 मार्च का। आज सुबह से सब मुझे विश कर रहे हैं और मुबारक दे रहे हैं शादी की सालगिरह की। तो आप सबका जो जो मुझे मुबारक दे रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं अब इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ। टमाटर में मैंने कुटी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक, हल्दी और इस हरी मिर्चें, टमाटर सब मैंने ऐड कर दिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज में, फिर मैं इसको अच्छे से भून कर मैं इसमें तोरी ऐड कर दूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मसाले को मैं अच्छे से भूनूंगी, फिर मैं इसमें तोरी ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने तोरी ऐड कर दी थी, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया मसाले के अंदर। अब मैं इसको दम लगा दूँगी, क्योंकि तोरी जो है अपना पानी छोड़ती है, छोड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं इसको अभी दम लगा रही हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। बाहर और हम के पापा अपना काम दूसरा लेकर बैठ गया, ये देखेंगे अपना काम कर रहे हैं ड्रिल मशीन के साथ। ये है जी रमज़ान की स्पेशल चीज़ें, पापड़ और फेनियाँ। और हम के पापा रात को ही ले आए थे, मैंने कहा आप सबको भी दिखाऊं। यहाँ पे तकरीबन हर घर में ये चीज़ लाजमी लाजमी होती है, बहुत शौक़ से बच्चे बड़े सब खाते हैं इसको। ये तो रेसिपी मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छे से तोरी भून चुकी है, पानी भी इसका खुश्क हो गया, ऑयल ऊपर आ गया माशाल्लाह। ये जी हमारे लिए गिफ्ट आया माशाल्लाह, हमारी एक आंटी है, उन्होंने वो हर रमज़ान में माशाल्लाह मुझे गिफ्ट भेजती हैं। बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी है, बहुत मुखलिस है माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन इलाही आमीन। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह सोने के हवाले।